भारत इस साल 9 और 10 सितंबर को G20 की मेजबानी करने जा रहा। इसके लिए दिल्ली के प्रगति मैदान में ITPO कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है। वही 26 जुलाई यानी कि आज ही के दिन पीएम मोदी ने खुद इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यहाँ होने वाली G20 के बैठक में अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। प्रगति मैदान के ITPO कॉम्प्लेक्स को इसलिए पूरी तरह से रीडेवलप किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर इस समय छाया हुआ है। अब इस कॉम्प्लेक्स की खासियत के बारे में जरा बात कर ले तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी MICE यानी कि मीटिंग्स इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी के रूप में ये उभर कर सामने आया है। वही IECC कॉम्प्लेक्स दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स की लिस्ट में शामिल हो गया है। ये कॉम्प्लेक्स जर्मनी के हनोवर और एग्जीबिशन सेंटर और संघाई के NECC को टक्कर दे रहा है। वही कन्वेंशन सेंटर के लेवल 3 में करीब 7000 लोगों की बैठने की क्षमता बताई जा रही है। ये कन्वेंशन सेंटर करीब 123 एकड़ में फैला हुआ है। वही इस कॉम्प्लेक्स में 2254 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है। ये IECC कॉम्प्लेक्स ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से भी बड़ा बताया जा रहा है। वही इस कॉम्प्लेक्स में करीब 5500 कार पार्किंग की क्षमता भी बताई जा रही है। वही साथ में 3000 की क्षमता वाला एम्फी थिएटर भी है जो कि 3 PVR थिएटर के बराबर होता है। वही कंस्ट्रक्शन कंपनी NBCC ने इसका कायाकल्प पूरी तरह से किया है। आपको बता दें कि इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई यानी कि आज ही के दिन किया है। वही पीएम मोदी ने नए इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन के उद्घाटन समारोह के दौरान पूजा की और साथ ही कॉम्प्लेक्स को बनाने वाले लोगों से भी मिले और उन्हें शॉल उड़ाकर उनका सम्मान भी किया। इसके बाद पीएम मोदी ने श्रमिकों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 15,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी, हाईटेक गैजेट्स और हथियारों से लैस 200 से अधिक पुलिस की गाड़ियां उद्घाटन समारोह के दौरान सुरक्षा के लिए मौजूद रही। जानकारी के लिए ये भी बता दें कि प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO का ये कॉम्प्लेक्स रीडेवलप किया गया है। वही 9 से 10 सितंबर को 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मीटिंग नए कन्वेंशन सेंटर में होगी। वही इस नए ITPO कॉम्प्लेक्स में कई शानदार सुविधाएं भी हैं, जिसे खास तौर पर G20 की बैठक को देखते हुए बनाया गया है। आपको कैसा लगा ये ITPO कॉम्प्लेक्स हमें कमेंट करके जरूर बताएं।